आप दिन में जितनी कैलोरीज खर्च करते हैं, मान लीजिए आप 2000 कैलोरी आपकी आपका शरीर इस्तेमाल करता है, जो भी आप नॉर्मल काम कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, नहा रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, जो भी आप आमतौर पे काम, एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक आम इंसान रोजमर्रा के काम में आप 2000 कैलोरीज लगभग, हर आदमी का थोड़ा अलग होता है, 2000 कैलोरीज आप खर्च कर रहे हैं और आप जो खुराक ले रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं वो भी 2000 कैलोरीज है, तो आपका वजन लगभग सेम रहेगा, आप में फर्क नहीं आएगा, अंतर नहीं आएगा। अगर आप खा रहे हैं 2000, सॉरी अगर आप खर्च कर रहे हैं 2000 लेकिन आप खा रहे हैं 3000, तो आप वजन बढ़ाने लगेंगे। हर रोज आपका 1000 कैलोरी एक्स्ट्रा जा रहा है अंदर बैंक अकाउंट में जैसे होता है। और अगर आप 2000 से कम खा रहे हैं, 1500 खा रहे हैं, तो आपका अकाउंट घटता रहेगा और जो बॉडी में जो चर्बी है उसको शरीर इस्तेमाल करेगा वो 2000 खर्च करने के लिए। एग्जैक्टली लाइक बैंक अकाउंट। ये थ्योरी है। बहुत खास जानकारी वाले टॉपिक लेके आए हैं जो हर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो गुड लुक्स दिखे, पर वो लुक्स उसके एक वजह से खराब हो जाते हैं, वो है मोटापा, वेट गेन। मेरे फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जो लोग, जो सेलिब्रिटी अपने वेट को बढ़ा भी लेते हैं, घटा भी लेते हैं, और किस तरह से बेटर लुक उनका रहता है कि वो चाहे तो कोट डाल ले, वो चाहे तो ब्लेजर पहन ले, वो चाहे तो टी शर्ट डाल ले, पर उनका लुक उनको सूट करता है। तो आप भी अगर अच्छी बॉडी और अच्छे लुक में आना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको ऐसे आसान वेट लॉस टिप्स देने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत काम लाएंगे। तो फ्रेंड्स, कौन नहीं चाहता कि अच्छा दिखे, पर अच्छा दिखने के लिए वो कितने एफर्ट डालते हैं। हम सबसे पहले मिस्टेक ये करते हैं कि हम दूसरों को देख के अपनी लाइफ स्टाइल जीते, पर दूसरों को ये भी देखें कि वो लोग क्या क्या चीज़ें कैरी करते हैं, किस तरह से अपनी लाइफ स्टाइल को जीते हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ एक्सरसाइज, आज की लाइफस्टाइल इतनी बिगड़ती जा रही है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपकी शरीर का शेप तो बिगड़े ही बिगड़ेगा, और अपने जो ऑर्गन है जैसे हार्ट, हेल्थ, अपना माइंड, हर एक चीज के लिए वो आगे जाके खतरनाक ही होना है। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी लाइफस्टाइल के अंदर आप एक्सरसाइज ऐड कर दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जिम जाएं, एक्सरसाइज में कुछ भी कर सकते हैं, घर के काम भी कर सकते हैं, पर उसके अंदर आपकी कैलोरी बर्न होना चाहिए, आपकी एनर्जी ऊपर नीचे होना चाहिए, आपका हार्ट बीट का थोड़ा सा लेवल ऊपर जाना चाहिए और नीचे आना चाहिए। तो आप ऐसी एक्टिविटी करें जिससे आपकी ऑल ओवर हेल्थ अच्छी रहे, तो एक्सरसाइज अपनी लाइफस्टाइल के अंदर ऐड करें। तो फ्रेंड्स, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम अपना मेजरमेंट भी ले रहे हैं और अपना एक ऑल ओवर अपना एक गोल भी सेट कर लिया, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो है हमारा स्टमक। हमारे स्टमक के अंदर बहुत सी चीज़ें अच्छी खाते भी है, बहुत सी चीज़ें हम अनहाइजीन भी खा लेते हैं, जंक फूड भी खा लेते हैं, बट हमारा स्टमक, हमारा डाइजेशन सिस्टम अगर ख़राब है तो हम कुछ भी कर ले, हम कभी अपनी ना तो स्किन ग्रो कर सकते, ना हेयर हमारे फॉल होंगे, हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी क्योंकि हमारा डाइजेशन सिस्टम ख़राब है। तो हमें इसे इम्प्रूव करना होगा। मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। सेकेंड, आप आपकी डाइट के अंदर ऐसी चीज़ें खाएं जैसे फल, फ्रूट, फाइबर, वेजिटेबल्स, इनकी मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, आप देखेंगे आपके डाइजेशन बिल्कुल इम्प्रूव हो जाएगा और आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। तो सेकेंड जो बिग मिस्टेक करते हैं हम लोग, कि हमें ये पता नहीं होता कि हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है और हम उसके अनादर ही चीज़ें करते हैं, उसके बाहर ही हम कपड़ा डिसाइड करते हैं, उसके बाहर ही हम खान पान रखते हैं। हमें एक मेजरमेंट करना जरूरी है कि हमारा स्ट्रक्चर किस टाइप का है, और देन उसके बाद हमें एक्सरसाइज करना चालू करनी है, जो मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक में बताया है। और वो मेजरमेंट कैसे कर सकते हो आप अपना BMI चेक कराएं, अपना फैट चेक कराएं, अपना ब्लड टेस्ट कराएं, ये सब चीज़ें कराने के बाद आपको ये पता पड़ेगा कि आपका जो वेट है उसके आधार पे आप कहाँ फिट होते हो, आपके वेट के हिसाब से आपका कितना मसल मास होना चाहिए और कितना ही आपका फैट होना चाहिए और कितना आपके बॉडी के अंदर मास होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको जब पता पड़ेगी, जब ऑल ओवर आप हेल्थ चेकअप कराएंगे, एक फिटनेस चेकअप करवा लीजिए, उससे आपको पता पड़ जाएगा कि आपके हाइट और आपके वेट के अकॉर्डिंग आपका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, फिर उसके लिए आप मेहनत करें। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपनी लाइफस्टाइल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है, सबसे महत्वपूर्ण टिप्स जो है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम अपनी डाइट किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। अधिकतर होता क्या है कि हम लोग जिम जाते हैं या हमारे बड़े बुजुर्ग हमें एडवाइस देते हैं कि हमें ये खाना चाहिए तो हमारी स्किन अच्छी हो जाएगी, हमें ये करना चाहिए तो हमारी हेल्थ बन जाएगी, बट ये सब चीज़ें मिथ है, ये सब एक सवाल ही है। हमें ये देखना है कि हमारी डाइट के अंदर हमारे वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन होना चाहिए,
अगर हमारा प्रोटीन हमारे वेट के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपका कोई भी सेल्स ग्रो नहीं होगा, क्योंकि आपकी प्रोटीन की मात्रा प्रॉपर नहीं होगी। उसी के कारण आपका बहुत सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, जैसे मोटापा होना और बहुत सारी चीजें जो आपके नाखून, आपके हेयर, आपकी स्किन, ये सब डल पड़ती जाएगी। और ये आपको एक सिग्नल भी देते हैं कि आपके डाइट के अंदर आपका प्रोटीन अगर आपके वेट के अकॉर्डिंग नहीं है। मैं अपनी डाइट के अंदर वेट का 2x करके लेता हूँ, जैसे मेरा वेट 70 kg है तो मैं 140 ग्राम प्रोटीन रोज लेता हूँ। तो आप भी चाहें तो अपने वेट के अकॉर्डिंग तो ले ही सकते हैं। एटलीस्ट आपका वेट अगर 60 kg है तो आप 60 ग्राम प्रोटीन रोज अपनी लाइफस्टाइल के अंदर, अपनी डाइट के अंदर ऐड करें। और उसे आप कैसे कर सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन वाले फूड को अटैक करें जहां भी जाए, चाहे शादी में जाए, चाहे ऑफिस में हो, चाहे कहीं भी हो, आप ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन वाले फूड को अटैक करें। फिर देखेंगे आपके अंदर एक मसल्स इंप्रूव होगा और आपकी बॉडी का एक अलग ही स्ट्रक्चर खड़ा होने लग जाएगा। आप 1 महीने करके देखिए, आपके अंदर एनर्जी भी बनी रहेगी और आपका माइंड भी रिलैक्स रहेगा, क्योंकि जितना भी माइंड हमारा चलता है वो प्रोटीन के सेवन से ही चलता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको सब चीजें बताई, इसमें मोस्ट ऑफ द मोस्ट जो चीजें वो अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आपने एक्सरसाइज कर ली, आपने अच्छी डाइट ले ली, आपने अपना मेजरमेंट भी ले लिया, आपने एक लुक्स के आधार पर अपना गोल भी सेट कर लिया, देन जो मैंने आपको बताया कि आप प्रोटीन डाइट भी ले रहे हैं पर अपना डाइजेशन भी सुधार रहे हैं, पर उसके बाद भी हम लोग कहीं ना कहीं मिस्टेक कर ही जाते हैं। वो मिस्टेक है अपनी स्लीप साइकिल। अगर हम डेली 8 से 9 घंटे अगर प्रॉपर नहीं सोएंगे तो ये सब चीजें आपके लिए वेस्ट है। तो आपको अपनी स्लीप साइकिल को सुधारना होगा, अपने मोबाइल एडिक्शन से दूर रहना पड़ेगा और अपने गोल के तरफ हमें दौड़ना होगा और एक सेट करना होगा कि हम इतने बजे सो जाएं। अगर हम 11 बजे सोते हैं तो एटलीस्ट हम 12 बजे तक हम सो ही जाएं कैसे भी करके। फिर आप देखेंगे अगर आपकी स्लीप साइकिल अच्छी होगी तो आपकी स्किन भी अच्छी करेगी, ना डार्क सर्कल होंगे और आपकी मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस लेवल भी बहुत अच्छा होगा। तो ये थी मेरी टिप्स आपके लिए। अगर आपको फायदा हो और आपको बेटर लगे तो अपने भाई को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट टिप्स नेक्स्ट वीडियो।